लेकिन एफआईआर को लेकर मैं सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन और जिस तरीके से एफआईआर में नाम ही नहीं है बाबा का। पंकज जी, सवाल आपसे एफआईआर के आधार पर, और एफआईआर के आधार पर सवाल यह कि इन्हें बचाने की कोशिश क्यों हो रही है, कौन बचा रहा है? देखिए, मैं अभी पुलिस विभाग के बहुत सीनियर अधिकारी से बात की इस मामले में, उनसे मिला तो उन्होंने कहा जो एफआईआर की कॉपी में जो आयोजक था, जिसने ये पूरा प्रोग्राम आयोजन करवाया था, जो कल वहाँ पे घटना हुई थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और जितने भी लोग वहाँ थे, चाहे वो चश्मदीद हों या जिनके घर परिवार के लोगों की मौत भी है, उसमें से किसी ने भी बाबा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। जब तक ये बात नहीं सामने आती है, तब तक बाबा के खिलाफ मुकदमा नहीं बन सकता है। बाबा जो है वो मैनपुरी में अपने आश्रम में है, पुलिस का घेरा उसके आसपास है, जैसे ही कोई ऐसी तरह के मामला होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच में यूपी में जहाँ जहाँ पर बाबा के आश्रम है, वो नोएडा से लेकर मैनपुरी तक, उन सब की जांच शुरू हो गई है। पंकज जी, आपने बहुत बड़ी बात और खबर इस वक्त दी है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में है। क्या भगदड़ में लोगों के जान गंवाने के बाद पुलिस ने बाबा से भी कॉन्टेक्ट किया, सवाल जवाब हुए? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, पुलिस सोर्सेज से ही हमें ये पता चला कि कल की घटना के बाद से वो मैनपुरी में ही अपने उसी आश्रम में ठहरा हुआ है, जहाँ की बात और जहाँ हमारे सहयोगी पुनीत खड़े हैं, इस बात की कंफर्मेशन यूपी पुलिस ने की है कि बाबा उसी आश्रम में है। अभी मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ। अब भोले बाबा को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, एक और बड़ी खबर, सेवादारों को फ्रेंचाइजी पर आश्रम देता था बाबा। फ्रेंचाइजी पर कई आश्रम्स भी जिस तरीके से चल रहे हैं, उसी आधार पर हमारे सहयोगी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बाबा के ये आश्रम कहां कहां पर हैं, और लोग जिस तरीके से इन आश्रम का रुख करते हैं, वहां पर स्थिति क्या है। अब सेवादारों को फ्रेंचाइजी पर आश्रम देता था बाबा, ये एक और खुलासा भोले बाबा के बारे में। इसमें एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि पानी बांटने वाले बाबा का ये जो पूरी आश्रम लीला है, आश्रम की फ्रेंचाइजी तो बाबा बांटता ही था, सेवादारों पर उसका सबसे ज्यादा भरोसा भी था, साथ ही सेवादारों को ही जिस तरीके से आश्रम की फ्रेंचाइजी मिलती थी, बाबा के आश्रम में मोबाइल फोन पर भी पाबंदी थी और करीबी भी मोबाइल फोन यहां पर नहीं ले जा सकते थे। कई नेता हालांकि बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते थे, और कहां कहां पर है ये दरबार? आगरा, मैनपुरी, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादा प्रभाव इनका माना जाता है। अब बाबा के रहन सहन के बारे में भी एक जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कई खुलासे इस आधार पर भी हो रहे हैं कि कैसे डिजाइनर सूट्स में, यानी डिजाइनर कपड़ों का शौकीन है ये भोले बाबा, हमेशा डिजाइनर कपड़े ही पहनता था, कोट पैंट में प्रवचन देते हुए तस्वीर तो आप देख ही चुके हैं, हमेशा हालांकि ये सफेद कपड़ों में ही ज्यादातर नजर आए हैं। तो बाबा के पैरों की धूल जिस तरीके से मौत का शूल बनी है, सूट बूट और टाई वाले बाबा के बारे में कुछ और जानकारी आपके सामने, क्योंकि डिजाइनर कोट पहनने के ये शौकीन बताए जाते हैं, डिजाइनर आउटफिट्स, पैंट, कपड़ों के लिए पर्सनल डिजाइनर तक बकायदा इन्होंने हायर कर रखा था। और बाबा पर आरोप क्या क्या है, भोले बाबा के खिलाफ जिस तरीके से 5 केसेस को लेकर खुलासे हुए हैं, आपको यह भी बता दें कि हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ, जमीन कब्जाने के भी आरोप लग चुके हैं, कोरोना काल में तो 50,000 लोगों को जिस तरीके से जुटाया था तब भी हालांकि कोई एक्शन नहीं हुआ था। अब बाबा एक, लेकिन कितने नाम इनके हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, उर्फ परमात्मा, उर्फ साकार विश्वहरी, उर्फ नारायण साकार हरी, तो इन्हीं बाबा के बारे में जिस तरीके से अभी खुलासे हो रहे हैं, ये डिजाइनर बाबा, सूट बूट टाई वाले बाबा भी हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है इनका चोला, ये है इनका पहनावा, और ये है वो बाबा जो आम जनता के बीच में जब जब आए हैं तो इसी तरीके से सूट बूट टाई लगाकर डिजाइनर कपड़े पहनकर ही लोगों के बीच में नजर आए हैं, और यही इनके बारे में जानकारी भी सामने आ रही है, ना सिर्फ कि कहां कहां पर ये फ्रेंचाइज के तौर पर अपने आश्रम, अपनी जगह सेवादारों के साथ ऑपरेट करते थे, बल्कि डिजाइनर भी इन्होंने हायर कर रखे थे। शिवांग माथुर हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और जिस तरीके से आमतौर पर आप बाबाओं को प्रवचन देते हुए देखते हैं,
तो एक इमेज सबके जहन में होती है कि बाबा किस तरीके का चोला ओढ़कर लोगों के बीच आते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन ये बाबा जरा सूट बूट टाई वाले बाबा हैं जिनके ऊपर इससे पहले भी कई केसेस दर्ज हो चुके हैं। यौन शोषण तक का मामला, जमीन कब्जाने तक का मामला इनके ऊपर रहा है। शिवांग मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि निर्दोष लोगों की मौत के जिम्मेदार बाबा के बारे में जिस तरीके से शिवांग अभी तक बड़े खुलासे हो रहे हैं, अस्पताल से सुबह से आप रिपोर्ट करते आए हैं, सीएम योगी भी अस्पताल पहुंचे, क्या जानकारी अभी तक घायलों के बारे में, वहां स्थिति क्या है? देखिए, अब क्योंकि दोपहर हो चली है और कल का ये मामला है, लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, तो अस्पतालों की स्थिति थोड़ी सी अब संतुलन में है। जो मृतकों के शव थे, वो जो जानकारी हमारे पास आ रही है, वो लगभग अब परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। जो कुछ घायल थे उनका इलाज अभी 2 से 3 दिन और चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की है। इस वक्त सुरभि हम मौजूद हैं हाथरस के अंदर जो पुलिस लाइन है, यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मैं आपको बता दूँ, उसमें योगी आदित्यनाथ हैं, उसमें मुख्य सचिव हैं, उसमें IG हैं, DIG हैं, कमिश्नर हैं, और जो जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे विपिन थोड़ी देर पहले, जो ADG की अध्यक्षता में रिपोर्ट बनाई गई है, उसको भी कुछ देर में आना है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ हर एक बात का, मुख्यमंत्री हर एक चीज का संज्ञान ले रहे हैं कि कहां कोई चूक रही है, कहां कोई कमी रही है। मैं आपको अंदर ले चलता हूं और दिखा देता हूं कि कुछ ही देर में जो है यहां पे प्रेस वार्ता भी शुरू होने वाली है। सभी जो पत्रकार हैं, जो यहां के स्थानीय पत्रकार हैं या जो बाहर से आए हुए हैं, वो लोग भी बहुत देर से योगी आदित्यनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बस कुछ ही देर में जब जो हाई लेवल मीटिंग है, जैसे ही वो मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग खत्म होने के बाद हम उनसे सवाल भी पूछेंगे, और जो सबसे बड़ा मसला है जो सबके मन में है, वो FIR का मसला है, जिसके बारे में हम कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे। शिवांग सुबह से हॉस्पिटल से तो हमें रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये भी चुनौती बनी हुई थी कि कुछ मृतकों की अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, और शवों की शिनाख्त करते ही किस तरीके से उन्हें परिवार वालों को सौंपा गया। अब फिलहाल उस जगह पर मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। फिलहाल जारी हाई लेवल मीटिंग के बारे में वो जानकारी दे रहे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ साथ आला अधिकारियों के संपर्क में भी सीएम है। अब हादसे के बाद बाबा पर भड़के लोगों को लेकर भी आपकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा के पोस्टर पर पत्थरबाजी तक लोगों ने करनी शुरू कर दी। अब हादसे के बाद की स्थिति, किस तरीके से हालात यहां पर बने और लोगों ने अपनी जान गंवाई, लोगों का गुस्सा जिस तरीके से सामने आ रहा है कि लोगों ने अब उनके पोस्टर तक पर पथराव करना शुरू कर दिया,